इंडेक्स अभी है 113.32, कल इसका हाई था 114.77, सो काफी अच्छा एक करेक्शंस मिला है, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए रिवर्सल, इट्स जस्ट ए करेक्शन। रिवर्सल होने के लिए यहाँ पे आपका लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन देखना पड़ेगा, वी नीड टू वेट फॉर सम मोर क्यूज। द मेजर थिंग इज इन जीबीपी डॉलर, यहाँ पे क्या हुआ, द बीओई सेड इट वुड टेम्पोरली बाय लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स लिंक मोस्टली क्लोजली टू द वर्कर्स पेंशन एंड होम लोन्स, एंड ये ही काफी ट्रिगर किया है आपका नॉट ओनली इन पाउंड बट ऑल्सो इन डॉलर इंडेक्स एंड द रेस्ट ऑफ द करेंसीज। सो डॉलर इंडेक्स इज कंसर्न्ड, वी नीड टू वेट फॉर फर्दर क्यूज, इट्स जस्ट ए स्मॉल करेक्शन, नॉट ए ट्रेंड रिवर्सल। डॉलर रुपी कल ये जो हाई मारा था 82.0050 आपका ड्यूरिंग आवर ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 81.95 एंड लो ऑफ 81.80, लेकिन आफ्टर आवर मार्केट क्लोज इट फर्दर वेंट हाई एंड वी सॉ 82.0050 इट टेस्ट, बट आफ्टर दिस बीओई इवेंट ऑल्सो डॉलर इंडेक्स सॉफ्टनिंग, रुपी क्लोज एट 81.41, अभी है आपका 81.60। तो यहाँ पर भी इट इज नॉट एनी रिवर्सल सिग्नल, रिवर्सल सिग्नल के हमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन चाहिए। आज ये कैंडल ग्रीन मॉडरेट ग्रीन बनने देते हैं, एक मॉडरेट ग्रीन बनने के बाद कल अगर आपका आज के ग्रीन कैंडल को निगेट करता है बाय एक रेड कैंडल समथिंग लाइक दिस, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए इनिशियल सिग्नल फॉर ए सेल ऑफ। तो अभी आज का दिन जाने दीजिए, आज का इसी टाइप का कुछ एक ग्रीन कैंडल बनाने दीजिए, एंड हाई शुड नॉट बी अबोव यस्टरडेज हाई, एंड कल का जो क्लोजिंग होना चाहिए यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग होना चाहिए ये आज का जो लो होगा उसके लो के नीचे क्लोज देना चाहिए। इन सच ए केस सम सेल ऑफ इंडिकेशन सेलिंग इंडिकेशन मे बी देयर इन द करेंसी पेयर, सो इट्स एन जस्ट एन एडवांस एंटीसिपेशन ऑफ द प्राइस मूवमेंट। सो अभी हमें आज प्योरली रूपी को देखना चाहिए कैसे बिहेव कर रहा है। जीबीपी डॉलर में आपका ये देखोगे कि फर्स्ट सेलिंग के बाद ये बाइंग आया, दो दिन का बाइंग आया, इसी दो दिन के बाइंग के बाद हमें इमीडिएटली लॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेट टुडे और फ्यू मोर डेज यहाँ पे रेड कैंडल बनने दीजिए। वो रेड कैंडल बनने के बाद एक अगर मान लीजिए आज का ये क्लोजिंग इसी टाइप का एक रेड कैंडल देता है, उसके बाद फ्राइडे को या मंडे को एक ग्रीन कैंडल बनता है लाइक दिस like this, in such a scenario, आपका ये हो जाएगा buying signal in pound. So अभी हमें price actions कल के action के basis पे हमें long नहीं लेना है, price को हमें और थोड़ा इंतजार करना है। GBP INR में भी similarly एक big fall के बाद दो back to back green candle आया है, अभी आज का red candle बनने दीजिए, अगर फ्राइडे का भी रेड कैंडल बनता है दैट इज आल्सो विल डू, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो ये रेड कैंडल को निगेट करके ऊपर क्लोज दे दे। इन सच ए सिनेरियो बाय सिग्नल्स विल बी ट्रिगर्ड। यूरो डॉलर पे आपका यही सिमिलरली फर्स्ट ग्रीन कैंडल आया है, यहाँ पे इमीडिएटली हमें लॉन्ग नहीं बनना है, उसके बाद आपको ये जो रेड कैंडल बनेगा आज और मे बी कल ऑल्सो, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल विल गिव ए बाइंग इंडिकेशंस। लेकिन बाइंग इंडिकेशंस देने से भी ये जो प्रीवियस जो एक जोन है उसके यहाँ पे ये जोन पे फिर रेजिस्टेंस मिलने का कोशिश करेगा, दैट इज आपका 0.98
1.0890 से 1.0080। यूरो आइनर में भी आपका कल का एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन चुका है, इसके बेसिस पे हम बाय नहीं करेंगे, प्राइस हमें और थोड़ा मॉनिटर करना होगा। डॉलर येन में आपका ये ऑल टाइम हाई पे, ये जो रिसेंट स्विंग हाई है वहीं पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। बेसिकली ऑल आर फियरिंग टू ब्लाइंडली बाय बिकॉज़ बीओजे इज ऑलरेडी आपका 22 सितंबर को बीओजे का इंटरवेंशन, स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन हमने देखा है इन द मार्केट। ये आईएनआर पे वही कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी आपका ये जो 22 तारीख का हाई है उसके ऊपर क्लोज देगा तभी जाके कुछ लॉन्ग के लिए हम सोच सकते हैं। डॉलर कैंडी में कल इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होने के बाद कैंडी में भी अच्छा खासा, डॉलर कैंडी में भी अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। सिमिलर सेम टाइप आज का ये ग्रीन कैंडल होने दीजिए, उसके बाद फ्राइडे को या मंडे को अगर एक रेड कैंडल बनेगा जो आज का ग्रीन कैंडल का लो को तोड़ देगा देन एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी डॉलर में सिमिलरली फर्स्ट ग्रीन कैंडल पे बाय नहीं करना है, देन रेड कैंडल लेट इट टू फॉर्म इन रेड, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगा एंड इस रेड कैंडल का हाई को तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा बाय सोच सकते हैं। डॉलर सीएनएच में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया बिकॉज इट्स ए वर्बल इंटरवेंशन फ्रॉम पीबीओसी, दैट मींस कभी भी वो हेवीली इंटरवीन कर सकते हैं। सो those guys who are trading in this instrument should take adequate care. UK oil kal acha kaisa bounce back hua, dollar in crude inventory kafi kam aaya hai, iske liye aapka ye bounce back dekha gaya hai, ye every wednesday ko crude inventory aata hai jahan pe kal ka jo inventory tha वहां पे क्या हुआ, यूएस फ्यूएल इन्वेंट्री फिगर शोड लार्जर देन एक्सपेक्टेड ड्रॉडाउन्स एंड ए रिबाउंड इन कंज्यूमर डिमांड, तो उसके बाद यहां पे एक अच्छा खासा बाईबैक देखा गया है। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी में कल वही एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है, फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रेड कैंडल दिखा है फ्रॉम आपका 2nd of August ऑनवर्ड्स आप देखोगे इतना बड़ा रेड कैंडल था नहीं। So this is the just एक initial signal और कहाँ पे आया है ये जो resistance है 4%, that doesn't mean that हम immediately यहाँ पे sell करेंगे, इसमें थोड़ा सा price actions होने दीजिए, ये trend line के नीचे आने दीजिए, उसके बाद lower high lower low बनने दीजिए, then and only then selling के लिए mood बना सकते हैं। As of now selling के लिए mood बनाना ठीक नहीं होगा। So currency daily analysis अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।